जी, ये मेरे बड़े खुशी का त्यौहार टाइप ही होता है जब मैं मीडिया से मुलाकात होती है, जब ऐसे अच्छे अच्छे शोज में। तो OMG का 10वां सीजन आया है, आप लोग मेरे ख्याल से, स्पेशली आप मुझको कम से कम नहीं तो OMG के 7-8 साल से मिल रहे, फर्स्ट सीजन से आ रहे हो आप, तो समझ लीजिए आप भी 8 साल से इस शो के लिए, तो स्पेशली हम मिल ही रहे हैं। वैसे तो हम मिलते रहते हैं इधर उधर, कोई अपनी न्यूज़ दे देता है मैं मर गया, कोई दे देता है ऐसा हो गया, वो तो सब अलग जगहों पे हम मिलते रहते हैं। लेकिन ये अच्छे, ऐसे अच्छे ओकेजन्स पे मिलना बड़ी खुशी की बात है। और आज की डेट में जहाँ पर एक ज़माना था जब इस तरीके के फैक्चुअल एंटरटेनमेंट वाले शोज़ आते थे, लोग इतना देखते थे क्योंकि कॉन्टेंट नहीं था, शोज़ ही पे बनते थे एक आध दो, आज की डेट में इतने सारे शोज हैं दुनिया भर में, आपके मोबाइल पे हर दूसरे मिनट में सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, हर दूसरे मिनट पे कोई गाना आ रहा है, कोई लड़की लॉन्च हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने कंटेंट के बाद अगर किसी शो का 10वां सीजन आता है आज की डेट में, तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे कि हमने शॉर्ट वीडियोस में देखे काफ़ी नो टैलेंटेड लोग हैं, सो आपके मनपसंद मतलब कौन फेवरेट रहे हैं? बहुत सारे हैं मेरे, बहुत सारे। इस सीज़न का मैं आपको बताऊं, अब इस सीज़न में मैं गया था झारसुगड़ा, एक जगह है उड़ीसा, भुवनेश्वर से मैं फ्लाई करके गया, सोनामारा एक जगह है, हॉकी विलेज है इंडिया का, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर जिस घर में घुसो आप वहाँ पर आपको हॉकी प्लेयर मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा जो हॉकी सीख रहा है। और हमारे हॉकी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की, जो कि पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो थे हमारे साथ, और सुभद्रा प्रधान इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनके साथ मैं पूरा गांव घूमा। अरे इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज उन लोगों की, उन्होंने बताया कि किस गरीबी से वो लोगों ने कैसे पत्तों को बांध के वो लोग बॉल बना के कैसे हॉकी सिखाते थे, कैसे हॉकी की शुरुआत हुई। जब मैं वहाँ पर था मेरे को तो गूज़बम्स थे, मैंने देखा वहाँ पर इनकी तस्वीरें बनी है रोडों पे, इनके लोगों ने पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, इतना प्यार इज्जत, और उन्होंने सोनामारा गांव के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो ये सब देख के पता चलता है यार कि एक इंस्पिरेशन मिलती है आपको हर कहानी से, तो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी होती हैं। फिर मैं जबलपुर गया, जबलपुर में सबसे बड़ा आर्मी एरिया है क्योंकि वो कई बॉर्डर्स को लगा हुआ है, सबसे बड़ा आर्मी बेस जबलपुर में, तो मैं वहाँ पर जाके आर्मी वालों से मिला, वो डेयर डेविल्स नहीं 26 जनवरी को बाइक के ऊपर वो सब करतब दिखाते हैं टीज़र में, वो उन्होंने स्पेशल हमारे लिए परफॉर्म किया OMG मेरे लिए, मतलब हमारे शो के लिए, तो मैंने उनके से मिला, उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे किया, आर्मी वाले मुझे मिले, आर्मी वाले एक बच्चा आया मेरे को बड़ी खुशी हुई, उसने मेरी तस्वीर पेंट की हुई, बोलता है मैं OMG, वो उनके फादर ने कहा जो आर्मी ऑफिसर हैं, इज़ अ मेजर इन द आर्मी, उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत OMG देखता है और हम खुशी से उन बच्चों को OMG दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात है ये एक ऐसा शो है जिसको चला के आप अपने घर पे डर नहीं लगेगा आपको कि अगर आपका छोटा सा बच्चा देख रहा है तो पूरे परिवार का किसी को भी दिखा दो, आप छोटे से 5 साल के बच्चे को आप ये शो दिखा सकते हो, जिस बच्चे को समझ आने लग जाए उसको आप ये पूरा का पूरा शो दिखा सकते हैं टॉप टू बॉटम। तो ये बड़े रेयर आज की डेट में ऐसे शोज़ बन रहे हैं जहाँ पर आप बच्चों को कुछ दिखाओ, आपके बच्चे एडुकेट हों, आपको एडुकेट भी होंगे आप, आपको नॉलेज इतनी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि इंस्पिरेशन भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा, फन भी मिलेगा, कॉमेडी भी होगी, मस्ती भी होगी, बहुत कुछ मिलेगा। सर जैसे कि अगर हम बात करें आपके बच्चे को, तो आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, यू नो टेलीविज़न पे क्या कुछ है समझने लगे, तो क्या ये भी फॉलो करते हैं? नहीं अभी ना समझदार इतने नहीं हुए, 6.5 साल के हैं, समझ उनको पूरी आई है, गाना वाना सब गाते हैं OMG मेरा इंडिया, मैं बोलता हूँ ना मेरा गाना बजाता हूँ, उनको पता है कि ये डैडी का गाना है, और मुझे भी प्राउड होता है अरे यार वो देखते हैं मेरा OMG। तो मैं उनके स्कूल में भी गया था चीफ गेस्ट में, बिलाबोंग स्कूल, तो मेरे को उन्होंने स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया, कृष्णा अभिषेक फ्रॉम OMG मेरा इंडिया, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल जगह पर आर्मी बेस में, और जहाँ पर ऐसी रिस्पेक्टेड जगह होती है ना, वहाँ पर मैं जाता हूँ तो मुझे वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कृष्णा अभिषेक फ्रॉम OMG मेरा इंडिया, मतलब कितनी अच्छी बात है, एक प्राउड फीलिंग है ये, आपको शो ने एक ऐसी इज्जत दी है, मज़ा हमें सब करने में, मज़ा तो यार मैं
कपिल शर्मा शो पे पता नहीं क्या क्या बन जाता हूँ, मज़ा बहुत आता है। वो एक हमारा रूप है, रूप के साथ साथ पैसा भी हम कमा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, आप ये आप ब्लेस्ड हैं, ये भगवान की ब्लेसिंग मानो और ऊपर वाले को थैंक यू अदा करो कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और सीज़न पे सीज़न आए जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में काम नहीं है, नहीं है, लोग परेशान हैं। तो आई थैंक गॉड, मुश्किल हो जाता है सीज़न 10वें पर हम आ गए, 8-10 साल एक चैनल के ऊपर। हिस्ट्री टीवी 18 छोटा चैनल है क्या, मतलब इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ ह्यूज चैनल। और यहाँ पे इसके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। हिस्ट्री टीवी पे आप देखें, इनका एक प्रोमो आया था बीच में जिसमें इनके अब्रॉड के फॉरेन के कई सारे होस्ट थे। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे बड़ी बात क्या होती हो सकती है एक एक्टर के लिए। और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मुझे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी शो नहीं देखते, कुछ होते ना वो जो अर्बन ऑडियंस, नो वी डोंट वॉच द स्लैपस्टिक कॉमेडी, व्हाट यू डू, आई नो यू गोविंदास नेफ्यू ऐसा मुझे बोलते हैं, यू डू कॉमेडी ऑन टीवी, ओके लास्टली क्या, नाउ वी डोंट वॉच दैट शोज, बट ओएमजी मेरा इंडिया आई अभी वी डू वॉच, वैसे भी ऑडियंस है जो ये शो वैसा देखते हैं। 10वें सीजन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 10वें सीजन पे हमने हर साल अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिछले साल की इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन उससे पहले हम क्रूज पे भी कर चुके हैं। ऐसा क्यों सब मीडिया वाले बोल रहे हैं कि इस साल की बहुत ग्रैंड है, ऐसा कुछ नहीं, हम हर साल अच्छी करते हैं अविनाश सर, लेकिन इस साल की भी इन्होंने क्रूज पे रखी। हाँ, लेकिन ये कमाल है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, कभी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बोट में नहीं आया, कभी भी नहीं जिंदगी में, पहली बार। तो अच्छा है मेरा क्रूज का आज वो भी हो गया इनॉग्रेशन, और नहीं क्रूज पे मैं दुनिया भर में बैठा हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नहीं बैठा था, तो मैं आज आ गया। एक हिस्ट्री हो गई कि आज पानी के बीच में हमने अपना क्या बोलते हैं पोस्टर रिवील किया। जाते जाते ये मेरा अगला सवाल था कि पानी के बीच में हमने अपना पोस्टर रिवील किया, 10वें सीजन के पर हम पहुंच गए, अपने फैंस को चाहने वाले को कुछ कहेंगे कृष्णा अभिषेक जो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। बस अब यही कहेंगे कि 12 फरवरी से ही आ रहा है, हर मंडे को आएगा शाम को 8 बजे, ये देखिए। उसके बाद बिग बॉस तो भी खत्म हो गया है, वो तो आपने देख लिया, मुझे देखा आपने फिनाले में, मजा आया, माधुरी और मैं आया था, माधुरी जी और मैं हम सब आए थे, बहुत मजा आया था भारती के साथ, मैं तो हमेशा हम होस्ट करते करते भाई के साथ बहुत मजा आता। और बिग बॉस देखिए, बिग बॉस भी देखिए, ओएमजी देखिए, और मार्च या अप्रैल में से नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा शो भी आएगा, तो वो भी देखिए, और उसके अलावा कुछ मत देखिए, आपको इतना सब एंटरटेनमेंट मिल रहा है और ये सब क्या देखने की ज़रूरत है, आप लोगों को इंजॉय करो लाइफ को। सर वहाँ पर रुकिए।